सेंस की टीम ने निसिंग थाना में तैनात ESI को 6000 रुपए की रिश्वत लेते हुए करनाल के माल रोड स्थित एक मिठाई की दुकान से गिरफ्तार कर लिया है। ESI अशोक ने एक कैंटर चोरी के मामले में पीड़ित से ही मामले की जांच के लिए 6000 रुपए मांगे थे। पीड़ित पहले ही ESI को 2000 रुपए दे चुका था। इसके बावजूद जब ESI ने मामले की जांच नहीं की तो पीड़ित ने इसकी शिकायत विजिलेंस थाना करनाल में दी। विजिलेंस SP श्यामलाल ने इंस्पेक्टर कनुप्रिया की अध्यक्षता में टीम का गठन किया और आरोपी ESI को रंगे हाथों पकड़ लिया। टीम में नायब तहसीलदार हवा सिंह भी थे। बता दें कि इसी निसंग थाना में 1 जुलाई को थाना प्रभारी सुभाष भी 25000 रुपए की रिश्वत लेते हुए थाना परिसर में ही पकड़ा गया था, जिसमें गांव बांसा निवासी पीड़ित 10000 रुपए पहले ही थाना प्रभारी को दे चुका था। ESI अशोक करीब 1 साल से निसंग थाना में ही तैनात है। सूत्रों का कहना है कि ESI की बदली एक बार इंद्री थाना में हुई थी, लेकिन उसने अपनी बदली रुकवा ली थी। निसिंग थाना में तैनात ESI अशोक के बारे में शिकायत मिली थी, जिसे 6000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। मामले की जांच की जा रही है। इंस्पेक्टर कनुप्रिया ने बताया कि हमें गोंदल गांव के संदीप ने शिकायत दी थी कि नीचे थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार कैंटर चोरी हो जाने के मामले में कार्यवाही नहीं कर रहा था और बार बार परेशान कर रहा था, और इसी को लेकर 6000 रुपए की रिश्वत लेते हुए हमने उसे गिरफ्तार किया है, रंगे हाथों उसे गिरफ्तार किया है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहां से कोर्ट ने न्याय रियासत में उसे भेज दिया है। मामला क्या? गोंदर वाला जो विजिलेंस वाला अशोक कुमार वाला, ये संदीप कुमार है, गोंदर का रहने वाला है। इसका एक ट्रक चोरी हो गया था और उसकी FIR इसने निसिंग थाने में दर्ज करवा रखी है, और उसके एवज में जो अनुसंधानकर्ता है, अधिकारी हैं, वो उससे पैसे मांग रहे थे और 8000 के अंदर डील ये फिक्स हुई थी। 2000 वो पहले दे चुका है और 6000 हमने इसे रेड हैंडेड कैप्चर किया है। आज क्या किया गया मैम? आज हमने उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था और वो रिमांड मिल चुका है हमें, और उसके बाद बाकी हम अभी 164 के बयान करवाए। कितने दिन का रिमांड लिया मैम? देखिए, जुडिशियल रिमांड मिला है 12 तारीख तक। जुडिशियल मिला है, जुडिशियल में भेज दिया जी, जेल भेज दिया जी। आपने उनको पकड़ा? संदीप गाँव गोंदर से बोल रहा हूँ। मैंने मेरी एक टाटा 1100 गाड़ी SR 45 41 10 2019 रात को चोरी हुई। मैंने सुबह कंप्लेंट थाने में की थी तो उन्होंने मेरा कोई कार्रवाई नहीं की, कोई मतलब उल्टा मेरे को डांटा तो उन्होंने मेरे से कुछ पैसे की डिमांड की 8000 के लिए, जिसे मैंने 2000 रुपये उनको 15 दिन पहले दिए थे और 6000 रुपये मैंने उसको कल 27/11/2019 शाम को दिए और विजिलेंस टीम ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस टीम ने क्या सहयोग किया आपका? हाँ जी, उन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया जी, तो सिर्फ मैं इंसाफ चाहता हूँ। यानी कि चोरी के एवज हुआ था, कोई कंप्लेंट दर्ज की थी, क्या था? हाँ जी, कंप्लेंट दर्ज तो कर ली थी, उन्होंने ये बोले जी इनका दर्ज तो नहीं होती थी, पर मैंने सबसे बड़ी मुश्किल से करवाई है, मुकदमा दर्ज उन्होंने कर लिया था तो पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कल कितने पैसे दिए थे? कल मैंने 6000 रुपये दिए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।